सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था बाहर के लिए, एक डेढ़ महीने के अंदर मेडिकल और वो सारे फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है। पूरे एक महीने की मैंने सारे वीडियोस बनाए थे, एक महीने के हिसाब से मैंने रिजाइन दे दिया था। Many months later. So, hello दोस्तों, नमस्कार, पहला को प्रणाम। मैं आपका दोस्त कार्तिकेय ब्लॉगर, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। आप इसको एक मिनी ब्लॉग भी बोल सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है, बहुत महीने हो गए। आप लोगों ने भी कमेंट करे थे और बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेजेस भी करे थे कि भाई कहाँ पे हैं और क्या ऐसा हो गया कि आप यूट्यूब से इतना डिस्टेंस हो गया। तो सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। आप लोगों ने कुछ चीज़ें नोटिस करी होगी मेरी इस बीच कि मेरे जो वीडियोस आ रहे थे, महीने में एक वीडियोस थे, कभी वो घर के वीडियोस दिख रहे थे तो लोग कह रहे थे आप ड्यूटी पे हैं या आप घर गए हैं। कि उसमें भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि घर पे हूँ या जॉब पे हूँ, और वीडियोस में इतनी लंबी गैप थे। और उस बीच मैं बाहर के लिए अप्लाई किया था, तो मैं बाहर निकलने वाला था तो क्यों नहीं जा पाया, उसके भी सारे आंसर मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। ये ब्लॉग के साथ साथ एक Q&A वीडियोस भी है, तो शुरुआत करते हैं। पहले जब मैं गया हुआ था लास्ट टाइम घर पे, तब मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए थे। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आप लोगों ने बहुत सारे पहाड़ की वीडियोस देख रहे थे। पूरे एक महीने की मैंने सारे वीडियोस बनाए थे, बट वहाँ पे कि मैं सारे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि हमारे पहाड़, मतलब मेरे गाँव साइड, प्रॉपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है नहीं। नेटवर्क है बट इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर है नहीं, जिससे कि मैं वीडियोस अपलोड कर सकूँ। ब्लॉग तो डेली बेसिस पे बना रहा था बट उनको ना अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो जिसकी वजह से वो वीडियोस मेरे पास स्टोर हो रहे थे। मैंने बहुत सारे पेन ड्राइव और मोबाइल्स में, तो सब में मैंने स्टोर करके रखे हुए थे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि जब मैं वापस ड्यूटी पे आऊँ तो यहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी है तो मैं यहाँ पे एडिटिंग करके डालूँगा। बट जब मैं घर से अहमदाबाद आया, मुझे इतना टाइम नहीं मिला बिकॉज होटल ले रहे हैं और यहाँ पे इतना बिजी शेड्यूल होता है कि काम के साथ आप अपनी हॉबीज़ लाइक वीडियोस ब्लॉगिंग करना, तो उसके लिए टाइम नहीं दे पाया, इसलिए उन वीडियोस में गैप आना शुरू हो गया। भले ही मैंने घर पे जो वीडियोस बनाए हुए डेली बेसिस पे बना रहा था, यहाँ पहुँचने के बाद मैं घर की वीडियोस अपलोड कर रहा था, तो जिसकी वजह से जो वीडियोस थे वो आपको डीले दिख रहे थे। मेरा ये रीज़न था कि मेरे को पहाड़ की वो सारी चीज़ें दिखानी है, पहाड़ का कल्चर, पहाड़ के लोगों की जो एक्टिविटी है, वहाँ का रहन सहन, सारी चीज़ें मुझे ब्लॉग के माध्यम से दिखाने थे, जो मैंने पूरी मेहनत करी थी एक महीने की। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, मेरे वीडियोस लेट में क्यों आ रहे थे और मैं पहाड़ की वीडियोस ही क्यों डाल रहा था जबकि मैं था अहमदाबाद में। तो इसका आंसर ये था कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए थे घर पे डेली बेसिस में, और यहाँ आके मैंने एडिटिंग करी और अपलोड करा, बिकॉज घर में जो था वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होने के कारण तो मुझे ये चीज़ें करनी पड़ी। सेकेंड जो आपका एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि मैं फॉरेन कंट्री के लिए मैं निकलने वाला था बट क्यों नहीं जा पाया, उसका आंसर ये है कि जब मैं घर जा रहा था तभी मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था बाहर के लिए, तो मेरे पास ये था कि एक डेढ़ महीने के अंदर मेडिकल और वो सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है। तो मेरा मेडिकल हो गया था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए थे, मेरा डायरेक्ट टू कंपनी था और इंटरव्यू हुआ था। डॉक्यूमेंट के प्रोसेस में टाइम लग गया था, तो मैं घर गया था, घर से आने के बाद इधर आया तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन का जो पेंडिंग प्रोसेस था वो सारे निपटा दिए थे। कि उसी बीच मैंने कनेक्ट करा उन लोगों को जो यहाँ से बाहर के लिए अप्लाई कराते हैं, मैंने फिर उनसे कनेक्ट करा कि मेरा अभी कितना और टाइम है। बाहर आप जाएंगे तो उसका एक मेडिकल का एक टाइम पीरियड होता है, एक महीने, दो महीने, जो भी एक टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड मेरा निकल गया था उस बीच, जिसकी वजह से मेरा मेडिकल जो था वो एक्सपायर हो गया था। तो मेडिकल एक्सपायर होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई। आप लोगों ने बीच में देखा होगा जब मैं घर गया था तो मेरे को कोवैक्सीन का थर्ड डोज भी लगाना कंपलसरी था बाहर जाने के लिए। मैंने आपको उस बीच में नहीं बताया था कि मेरे को थर्ड डोज क्यों कंपलसरी है, उनके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है एक नोट कि तीन डोज कंप्लीट होने चाहिए आपके। आप लोग को मैंने बोला था कि मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा बट टाइम नहीं मिला, तो आज क्लियर कर रहा हूँ कि इसलिए मैं उस टाइम पे मेडिकल का ये सारे प्रोसेस कर रहा था तो उस टाइम पे थर्ड डोज की रिक्वायर थी बाहर जाने के लिए। और एक क्वेश्चन और था, आपने मकेबा क्यों छोड़ दिया, तो रीज़न यही था कि जब मैं घर से इधर आया तो मेरे सारे प्रोसेस चल रहे थे बाहर का, तो इंटरव्यू दे दिया था, मैंने अंशुल सर को भी बता दिया था कि मेरा बाहर का हो गया है तो ये टाइम लगेगा मेरा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा बाहर के लिए। तो उनने बोला था ठीक है, तो कंपनी साहब जा रहे हैं तो एक टाइम पीरियड देना होता है, और एक महीने के प्रोसेस में मैंने रिजाइन भी दे दिया था, जो कंपनी में मैं जा रहा था उनसे भी कॉन्टेक्ट, तो उन्होंने बोला कि एक महीने के प्रोसेस होता है तो आपके बीच सारा वीज़ा वगैरह लग के आ जाएगा। एक महीने के हिसाब से मैंने रिजाइन दे दिया था,
मकेबा में, और एक महीने का टाइम पीरियड ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो बढ़ते गया, और उस बीच ये सिचुएशन ये थी कि कहीं मेरा मेडिकल एक्सपायर ना हो जाए। एक मेडिकल अगर एक्सपायर होता तो फिर आपको दोबारा मेडिकल करवाना पड़े। उस बीच ही एक वो मेडिकल का जो ड्यूरेशन था, टाइम होता है, वो टाइम बीत गया और मेडिकल एक्सपायर हो गया था। तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अब मेरे को मेडिकल दोबारा कराना था, मकेबा भी मैंने छोड़ दिया था उस बीच, और फिर मैंने मेडिकल करवाया नहीं। और उस बीच मेरा कॉन्टैक्ट हुआ सोहिल भाई से, जिनको मैं लगभग मकेबा से पहले ही जानता हूँ, जो सिंधबाद कंसल्टिंग करके हैं, उनके ओनर हैं। उनको ये पता चला तो उन्होंने बोला कार्तिकेय आजा ज्वाइन कर ले मेरे साथ। वो 2.5-3 साल से मेरे को पहले से ही बोल रहे थे, बट मैं उनके साथ टच में था। मैंने कहा चलो इस बार ट्राई करते हैं। उन्होंने कहा एक ऑफर दिया मुझे कि SSC है, मेरी टीम के साथ जुड़ जा और ये चीज़ें हैं और इस टाइप का हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। इसके लिए उनका क्या महीने में 2-3 प्रॉपर्टी आती रहती है। तो मैंने कहा चलो कुछ नया टास्क लेते हैं। इसके बाद मैंने सोहिल भाई की टीम के साथ ज्वाइन किया, तो करंटली अभी मैं उनके साथ हूँ। पिछले 5-6 महीने हो गए होंगे। इस बीच बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ उनकी भी ओपनिंग हुई है, जिसमें एक लेवल 1 करके है, मेरासा करके है दूसरा, और थर्ड अमाला है, जहाँ पर मैं अभी करंटली यहाँ पर रहता हूँ ज़्यादातर। एक नई 2-3 प्रॉपर्टियाँ और आने वाली है। इसी बीच ये सारी जर्नी रही जो मैंने पिछले 5-7 महीने के अंदर सारी घटी। बोलते हैं ना कि रीस्टार्ट करना फिर और टफ हो जाता है। स्टार्ट तो आप कर लेते हैं, बीच में चीज़ें भी अच्छी चलती हैं, बट जब स्टॉप होता है ना तो रीस्टार्ट करना बहुत टफ हो जाता है। आप लोगों का प्यार और सारी चीज़ें देखे ना, मेरे को लगा कि यार हाँ फिर से मुझे वो चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। एज अ होटेलियर मुझे पता है कि बहुत बिजी हो जाते हैं हम लोग, जहाँ पे हमारे लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। कोशिश करेंगे हम कि वीडियोस आपके बीच लेके आए, और सारे क्वेश्चनों के मैंने आंसर आप लोगों को दे दिए हैं। आप लोगों का कोई और क्वेश्चन रहा होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इन सब का आंसर दे पाऊँ। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्यार देते आ रहे हैं वही देते आना। आई होप आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहना। तो आज एक छोटा सा एक ब्लॉग था जो मुझे बेसिकली आपको इन्फॉर्म करना था। अभी ये वीडियो और ये ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ एक नई दिन में। अब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।